गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो चुकी, 2 घंटे से ज्यादा ही लग गए हम लोगों को निकलने में दिल्ली से। गाइस आगे रास्ता बंद है कावड़ियों की वजह से। Hey guys, welcome back to the channel and कल हम लोग आ गए थे गुरुग्राम, 1 बजे पहुंच गए थे और पहुंचने में काफी लेट हो गया था, काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए आके तुरंत सो गए। ये कुछ हमारे रूम और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, तो मिलते हैं गाड़ी पे। बस अभी जाके हम लोग दिल्ली से निकल पाए हैं और 2 घंटे निकल 2 घंटे से ज्यादा ही लग गए हम लोग को निकलने में दिल्ली से। और जैसे ही निकले हैं वैसे ही बारिश हो गई स्टार्ट, और यहाँ से अभी भी 216 किलोमीटर है ऋषिकेश, तो देखते हैं कितना एडवेंचर होता है ऋषिकेश पहुँचने में। गाइस ये जो झंडे की शॉप दिख रही है आपको जगह जगह पे, ये सारे कावड़ यात्री हैं, ये सब जा रहे हैं हरिद्वार। पीछे पूरी लाइन से झंडे झंडे की दुकान थी और अभी हम लोग हैं गाजियाबाद को बस क्रॉस कर रहे हैं, आगे मेरठ से कटेंगे रास्ते को। सो गाइस अभी हम लोग मेरठ पहुंच गए हैं और बस यहाँ से हमारा 170 किलोमीटर और है ऋषिकेश, और जब तक कर रहे हैं यहाँ पे लंच तो ये ढाबा पे रुके हैं पगड़ी वाले में। और हाँ, अभी तक अपनी 1500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई होगी, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं और गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो चुकी, अब सबसे पहले इसको जाके वॉश कराएंगे यार, यहीं कहीं पे वॉश करवाते हैं, गंदी हो गई बहुत ज्यादा, पता नहीं चल रहा। चलो लंच करते हैं, देखते हैं कैसा। गाइस आगे रास्ता बंद है कावड़ियों की वजह से, तो हम लोग का प्लान हो रहा है चेंज, देखते हैं अभी कहाँ का बन रहा है प्लान। नैनीताल देखो आपका भाई, हिमाचल कर सकते हैं, वो अलग हो जाएगा बहुत ज्यादा हिमाचल, फिर हम नैनीताल कैची धाम को बुला के आते हैं। हम भाई अब क्या करें, ओके नैनीताल चलना पड़ेगा, लेट से क्यों घूमेंगे, 2 दिन नैनीताल में बिताते हैं। तब इस बार इसे केस नहीं रहा उसमें, इसीलिए बोले तो झंडा बांध लो, हम भी कावड़िया जा रहे हैं। जा तो वो देखो ना, एक जन लड़के चले तो गया, कोई कुछ थोड़ी बोला उसको, मतलब लेकिन आगे जाके रास्ता बंद होगा तो अपन करेंगे क्या भाई, यहीं बस पुलिस थोड़ी है, जब एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पूरी पुलिस नौ खड़ी होगी। कितना है नैनीताल देखा, मैं पहले वो मोटर में चलता था। अच्छा वो डिफेंडेबल रही ना, रवाना होते हुए बिजनौर जाइए, वहां से हरी पौड़ी, क्योंकि सावा ये कावड़िया यात्रा के चलते ये रूट जो है बाधित रहते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बिजनौर, बिजनौर से हरिद्वार, अभी मालवा का है वो, मालवा पूरा इंडिया घुमाऊंगा एक बार इस ट्रिप में बस। अभी पूरी भी दिखाया तुमको 223 एक मसूरी 6 किलोमीटर में छोड़ा है, छोटा मसूरी रहा वो, हम लोग को बड़ा वाले में जाना, कुछ चश्मा असमा उतर गए यार जाते जाते। अपन को जाना हरिद्वार ही है क्योंकि इसकी होटल कैंसिल नहीं हो रही। नहीं भाई बता रहा हूँ, हरे की पावड़ी अगर वो मसूरी जैसे डुप्लीकेट होने पाए नहीं होगा भैया, काहे होगा ये बताओ मेरे को। यहाँ बिजनौर से 80 बोल रहा है, अपन लोग वहाँ तो देख रहे 178 या 170। जब अपन गाड़ी डाले है ना आना तो सब मसूरी मवाना रोड छुट्टा बोला ना, मसूरी पहले पड़ जाएगा, वो दूसरा मसूरी मवाना क्या है, सब मिनी मिनी पहले दे देता कि आगे जाके मसूरी है, पहले छोटे वाले को देख लो ऐसा है, इसी का बड़ा रूम है। और ये हम लोग को डैम मिल गया है रास्ते में, और जैसे तैसे करके पहुंच रहे हैं हरिद्वार, कोई और दूसरा रूट पकड़े हैं हम लोग।
अभी हम लोग पहुंच गए ऋषिकेश और ये है कुछ हमारी होटल। और अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 और बेहतरीन होटल है, बहुत ही शानदार। इधर से लुक वगैरह मतलब फोटोजेनिक होटल है लग रहा है। मेरी फोटो अच्छी आ रही है देख तो। तेरी फोटो लूंगा थोड़ी, मेरी लाइफ स्टाइल मेरा ब्लॉग। चलो अभी चलते हैं इधर के कैफेज को देखते हैं, कुछ खाने चलते हैं बाहर क्योंकि रेस्टोरेंट तो यहाँ क्लोज हो गया है, वहीं चलते हैं। तो गाइस अभी जस्ट जा रहे हैं हम होटल के बाहर, ये कुछ कैफेज हैं, कैफे वगैरह को देखते हैं। और थोड़ी थोड़ी पानी भी गिर रहा है, कुछ समझ के आते हैं। तो ये कुछ व्यू होटल से निकलते ही, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोई अच्छे सा कैफे। तो हो गई है पूरी पेट पूजा और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, और ये रूम टूर मैं आपको दिखाऊंगा कल। बस अभी अब करते हैं सोने की तैयारी और अभी सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं। इसलिए आज वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। थैंक यू।